Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing good today. I want to share with you a product review. That is a makeup product and demo bhi main aapko dikhaungi. So this is the loose powder by Maybelline Fit Me. So aapko pata hai dosto ki Fit Me ki jo range hai Maybelline ki, they are just fab. Bahut achhi lagti hai mujhe. I have used their foundation. They are just really awesome. And लूज पाउडर की हम बात करेंगे तो लूज पाउडर इज अ मस्ट हैव फॉर द समर सीजन स्पेशली, क्योंकि आप कॉम्पैक्ट लगा रहे हैं या आप कुछ भी प्रोडक्ट लगा रहे हो, लूज पाउडर जो आपको मैटिफाइंग इफेक्ट देगी ना, वो आपको कुछ भी नहीं देने वाली है. आपको लूज पाउडर डेफिनेटली यूज करना है. सो मैं लैक्मे की लूज पाउडर काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ. दैट वॉज ऑल्सो रियली नाइस. वो अभी तक है मेरे पास. एंड दिस इज़ द फेमस प्रोडक्ट, लाइक यू नो निकी ट्यूटोरियल्स की जो निकी है, उन्होंने भी ये रिकमेंड की है. सो मैंने सोचा चलो इसको तो ट्राई करना बनता है अब. सो दिस इज़ द प्रोडक्ट. दिस इज़ Maybelline Fit Me, जैसे कि मैंने आपको बताया, लूज फिनिशिंग पाउडर. एंड क्वान्टिटी आपको मिल रही है 20 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट विल रिमाइंड यू ऑफ हुडा ब्यूटी लूज पाउडर, इज़न्ट इट? बिल्कुल वैसी ही, ऑलमोस्ट पैकेजिंग वैसी है. बहुत ज़्यादा क्लासी है. इट लुक्स रियली क्लासी. एंड यहाँ पर आपको शेड दिख जाएगी. मेरा जो शेड है दैट इज़ 30 मीडियम डीप. अब मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने अपने स्किन टोन से ज़्यादा डार्क यू नो परचेस की है, क्योंकि जब आप डार्क, थोड़ी सी डार्क लूज पाउडर अप्लाई करेंगे मेकअप को सेट करने के लिए, वो एक अलग सी यू नो गॉर्जियस वाली लुक देगी, आपको प्रोवाइड करेगी. एंड दैट्स द ट्रू थिंग. बहुत ज़्यादा वाइट वाइट या फिर गोस्ट सॉर्ट ऑफ थिंग अच्छी नहीं लगती फेस के ऊपर. एक वाइट कास्ट बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगती है. जब भाई आप थोड़ी सी डार्क अपने स्किन से, थोड़ी स्किन टोन से थोड़ी सी डार्क सेटिंग पाउडर अप्लाई करेंगे, यू विल सी उसकी जो मेकअप है वो जब तक जब जब टाइम बीतता जाएगा, आपकी फेस जो है वो बहुत अच्छे से ग्लो, एक गॉर्जियस लुकिंग प्रोवाइड करेगी. सो मेक श्योर आप एक यू नो शेड डार्कर अपने अकॉर्डिंग चूज करें. एंड बाकी के जो शेड्स थे वो थोड़ी सी पिंकिश में थे. आई गेस 4 शेड्स अवेलेबल है इंडिया में. एंड या यही मुझे लगी कि इंडियन स्किन टोन पर अच्छी लगेगी ये वाली शेड, इसलिए मैंने यही परचेज की है. एंड आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, तो डेफिनेटली आप Maybelline के आउटलेट से ही परचेस करें. यू कैन स्वॉच देयर एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स, एंड तभी आप परचेस कर सकते हो. मैंने नायका से परचेस की है. एंड यहाँ पर आपको एक स्टिकर मिल जाती है, ठीक है? सो आप देख सकते हो यहाँ पर. सो इसकी जो प्राइस है, MRP है 695 रुपीज़ है. प्राइस हाई है आई नो, बट स्टिल इट्स क्वाइट नाइस. प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी है, सो प्राइस तो बनता है. एंड आपको शेल्फ लाइफ मिलेगी ऑलमोस्ट 3 ईयर्स. 3 साल आप इसको यूज़ कर पाएंगे. क्वांटिटी मैंने आपको पहले ही बता दी, 20 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट. यहाँ पर आपको कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर मिल रही है, ईमेल एड्रेस मिल रही है. इन केस यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट देम. या एंड डियर, वन मोर थिंग, कि बिल्कुल भी Maybelline तो इंडियन ब्रांड नहीं है, आपको पता ही है. दिस इज़ कनाडा, मेड इन कनाडा आई गेस. एंड आपको इसको ओपन करना है बिल्कुल ऐसे. कुछ लोगों को नहीं पता होता है कैसे ओपन करना है, वो लोग इसको ऐसे यू नो प्रेस करते हैं, बिल्कुल नहीं खोलने वाली है. आपको इसको ऐसे बस ट्विस्ट करना है, दैट्स इट. देखो आप, एंड यू विल गेट अ स्टिकर ओवर हियर, जो 2-3 दिन यूज़ करने के बाद वो खुल जाती है. इट्स फाइन, बट आप स्टिकर को ज़रूर रखें, फेंक ना दे, क्योंकि अदरवाइज ये वाली जो यू नो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है. अब आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा होल्स है, जिन में से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी. आपको कैसे निकालना होता है, यू हैव टू जस्ट प्रेस दिस लाइक दिस. यू हैव टू जस्ट टैप इट. आप टैप करेंगे, यू विल सी द प्रोडक्ट इज कमिंग आउट हियर. सो कलर आप देख सकते हो डार्क है. आप ब्रश यूज़ करें. आई विल सजेस्ट यू कि आप ब्रश से ही अप्लाई करें. कोई भी ब्रश आप यूज़ कर सकते हो. यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ पैक की यू नो 291 ब्रश. दिस इज़ डायमंड ब्रश, बहुत अच्छी ब्रश है. एंड आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो. बिल्कुल मक्खन जैसी है इसकी जो टेक्सचर है, बिल्कुल सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. ऐसा फील ही नहीं होगा कि आपने कुछ अप्लाई भी किया है. एंड इट विल गिव यू एन एयर ब्रश सॉर्ट ऑफ लुक, ट्रस्ट मी. बहुत इजीली ग्लाइड आउट हो जाती है.
ठीक है, एंड स्मूद एक आपको मैटिफाइंग लुक मिल जाएगी। खुशबू की हम बात करेंगे तो इसमें एज सच कुछ भी यू नो फ्रेगरेंस मुझे तो लगी नहीं, बिल्कुल नेचुरल लगी। एंड बहुत फाइन है इसकी जो पार्टिकल्स है, बहुत ज़्यादा फाइन है, बहुत स्मूद है। या सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी ये वाली प्रोडक्ट। आप स्पंज से यूज़ ना करें, आप ब्रश का ही यूज़ करें। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो देन यू कैन गो फॉर अ स्पंज, लेकिन है तो आप ब्रश से ही यूज़ करें। फुल फेस को आप बस कॉम्पैक्ट के बजाय आप इसको इससे सेट करें एंड यू विल सी द रिजल्ट्स इन जस्ट सेकेंड्स। ओके सो डियर, मैं आपको अब दिखाऊंगी आप इसको क्लोज कैसे करेंगे। यू हैव टू जस्ट कीप दिस स्टिकर ओवर हियर, दैट्स इट, एंड देन यू जस्ट प्लेस दिस यू नो कंपार्टमेंट एंड दैट्स इट। ठीक है, और कुछ नहीं, बहुत इजी है। सो मुझे एज सच कुछ भी इस प्रोडक्ट की कॉन्स तो मुझे नहीं नज़र आई। एंड एक चीज़, इसमें मिरर नहीं है। अगर एक वैसे भी लूज पाउडर्स में मिरर होते नहीं है, बट फिर भी आई गेस शुगर में है क्या, आई एम नॉट श्योर, लेकिन फिर भी अगर एक मिरर यहाँ पर प्रोवाइड हो जाती सम हाउ बहुत अच्छी हो जाती, बट स्टिल इट्स फाइन, होते नहीं है वैसे। सो डियर, पीछे आप इस कंटेनर को ट्विस्ट करेंगे, यू विल सी द डिस्क्रिप्शंस। यहाँ पर अगेन शेड नेम एंड नंबर है 30 मीडियम डीप एंड लूज फिनिशिंग पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर भी आप कह सकते हो। मिनरल बेस्ड फॉर्मूला हेल्प्स कंट्रोल शाइन एंड स्मूथ स्किन्स टेक्स्चर, लाइट वेट ट्रांसलूसेंट कवरेज, फ्रेश नेचुरल लुक, कैन बी यूज्ड अलोन और ओवर फाउंडेशन। ठीक है, सो इट्स ट्रू डियर, आप वैसे भी इसको लगा सकते हो जैसे कि सनस्क्रीन के ऊपर या फिर मॉइस्चराइजर के ऊपर, आप बस इसको सेटिंग करने के लिए या फिर बेकिंग कर सकते हो, दैट्स इट। या फिर अगर आप फाउंडेशन या बीबी क्रीम लगा रहे हैं उसके ऊपर भी आप इसको सेट कर सकते हो, आपकी मर्जी आप इसको कैसे यूज़ करें। एंड बहुत अच्छी फिनिशिंग देगी, स्किन को स्मूद एंड एक फ्लॉलेस लुक प्रोवाइड करेगी। एंड इसको आप कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, अप्लाई विद अ ब्रश, ऐसे ही यहाँ पर लिखी हुई है। एक्सेस जो प्रोडक्ट है उसको आपको डस्ट कर देना है ब्रश के साथ। एंड इंग्रेडिएंट्स आपको मिल रही है यहाँ पर, टैल्क, डाइमेथिकोन सिलिका, इसमें क्या है, इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। ठीक है, सो यही है एंड दैट्स इट। मैंने आई होप मैंने सारा जो पॉइंट्स है वो क्लियर आउट कर दिए हैं, आप डेमो देख लेना। सो वीडियो पसंद आए तो डू लाइक कमेंट्स एंड शेयर, एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी ये वाली प्रोडक्ट। शेड्स को लेकर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो मेक श्योर आप आउटलेट से ही परचेस करें। एंड या सी यू सून गाइज ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पसंद आए तो डू लाइक कमेंट्स एंड शेयर, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड ज़रूर सब्सक्राइब करना, उसके पास बेल आइकन है ज़रूर दबाना। बाय बाय। हाय गाइज, सो नाउ इट्स टाइम फॉर डेमो, यानी कि फेस एप्लीकेशन की टाइम है। एंड मैं दिस इज़ द प्रोडक्ट जो मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। सो डियर, लेट मी टेल यू वन थिंग कि फेस पर मैंने बिल्कुल भी मेकअप अप्लाई नहीं की है। आई हैव जस्ट अप्लाइड सनस्क्रीन, दिस इज़ कामा आयुर्वेदा सनस्क्रीन। आप देख सकते हो नेचुरल एक ग्लो है। ठीक है, सो डे टू डे बेसिस में मैं वैसे भी मेकअप अप्लाई नहीं करती हूँ, सनस्क्रीन के ऊपर ही अप्लाई कर देती हूँ ट्रांसलूसेंट पाउडर और कॉम्पैक्ट। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट, इसको हम थोड़ा सा निकाल लेंगे, यू हैव टू जस्ट टैप इट लाइक दिस या सी, एंड मैं ब्रश के साथ अप्लाई करूँगी। बहुत इजीली ब्लेंड हो जाती है ये वाली प्रोडक्ट, बहुत अच्छी है। हाफ ऑफ द फेस मैं अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा और प्रोडक्ट मैं निकाल लेती हूँ। ओके, तो आप देख रहे हो कि काफी मैटिफाइंग लुक प्रोवाइड कर रही है।
समर्स के लिए तो बेस्ट है, इट्स रियली बेस्ट फॉर समर सीज़न। एंड या सो आप देखो इस साइड में बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस है, ग्लोइनेस है, एंड इस साइड में बिल्कुल मैटिफाइंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। बेकिंग करेंगे आप तो और भी ज़्यादा मैट लुक आपको प्रोवाइड हो जाएगी। यू कैन बेक योर फेस फॉर 5 मिनट्स एंड देन यू कैन गेट द प्रॉपर मैट लुक, ठीक है। सो पूरा दिन के लिए आप बाहर जा रहे हैं तो डेफिनेटली बेकिंग करो। एंड आप देख रहे हो कि ये शेड जो है वो डार्क होने के बावजूद भी कितनी अच्छे से वर्क करी है मेरे स्किन टोन पर। सो इंडियन स्किन टोन के लिए ये वाली शेड काफ़ी अच्छी है। अगर आपकी स्किन टोन फेयर टू मीडियम टू डस्की है डेफिनेटली गो फॉर दिस। और इसकी अंडरटोन भी थोड़ी सी येलोइश है, लाइक या अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगी इंडियन स्किन टोन को। सो मैंने कर लिए फेस को सेट। सो या गाइज, यू कैन सी के रिजल्ट कितनी अच्छी है। आपको डे टू डे बेसिस में मेकअप करने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप बिल्कुल ऐसे ही फेस को सेट कर सकते हो एंड यू कैन गेट अ वेरी क्लियर लुकिंग स्किन। आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो डे टू डे बेसिस में इतना हैवी मेकअप बिल्कुल ना करें, बस सेट कर दो अपने सनस्क्रीन को, दैट्स इट। और स्किन केयर ज़रूर करना तो आपकी स्किन जो है बेसिक, यू नो, आपकी बेस बहुत अच्छी होगी तो आपको मेकअप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी नहीं वैसे। एंड या दैट वाज फॉर टुडे। ज़रूर ख़रीदना, हाईली रिकमेंड करती हूँ मैं ये वाली प्रोडक्ट आपको। एंड वीडियो पसंद आए तो डू लाइक कमेंट्स एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। उसके पास एक बेल आइकन है, ज़रूर दबाना। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।